आप सबका हमारे चैनल पे एक और न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है जाजे। मेरा नाम है बालाज। यार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, हम आपके लिए अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं और लेके आते रहेंगे। और हम सब ये भी जानते हैं कि इंडिया की कार्स एंड बाइक्स पूरी दुनिया में फेमस है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने लगी कि यार जैसे आर्मी के लिए डिफरेंट कार्स है यूज की जाती हैं। भाई हमने इतना सुना है, मतलब ये तो हमें पता है कि इंडिया के ऑलरेडी मतलब है कार्स बाइक्स, ये तो मतलब बहुत ही आउट क्लास है यार। लेकिन जो है ना, पुलिस और आर्मीज में भी आउट क्लास किस्म की कार्स और बाइक यूज की जाती हैं। तो ऐसा टाइटल में लिखा हुआ है, मेड इन इंडियन कार्स यूज बाय फोर्सेस एंड आर्मीज एंड पुलिस। तो यार ये जो है ना, मतलब ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की वीडियो होने जा रही है। हमारे साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो में स्टार्ट करने लगे हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो टू फिक्सर्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल, इंडियन ऑटोमेकर्स आजकल काफी तरह तरह की एसयूवी बना रहे हैं, लेकिन इंडिया मेड कार्स को थोड़ा कम आंका जाता है इंटरनेशनल मेड गाड़ियों से या फॉरेन मैन्युफैक्चरर से। लेकिन इंडियन मेड एसयूवी हमारी इंडियन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं। और हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि थाई आर्मी ने टाटा मोटर्स को 600 मिलिट्री ट्रक्स का ऑर्डर दिया है। तो वही सुन के मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए ऐसे मेड इन इंडिया व्हीकल्स पर जो फॉरेन कंट्रीज में मिलिट्री और पुलिस फोर्स यूज करती हैं। और ये काफी गर्व की बात है कि इंडियन मेड गाड़ियां भी बाहर किसी देश में उनके मिलिट्री व्हीकल या पुलिस व्हीकल के तौर पर यूज करी जाती हैं। तो ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। चलो अपने घंटे पर ठीक है, दूसरी कंट्री में भी मतलब यूज हो रही है, आर्मीज के अंदर फोर्सेस के अंदर हो रही है ना, बिल्कुल मेड इन इंडिया हो। और इंडिया की बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, टाटा को देख लो, टाटा मोटर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था बांग्लादेश की तरफ से कि वो अपनी एसयूवी हेक्सा को बांग्लादेश आर्मी को सप्लाई करे और वो उसे बांग्लादेश आर्मी का ऑफिशियल व्हीकल के तौर पर यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेड इन इंडिया गाड़ी अब बांग्लादेश का ऑफिशियल आर्मी व्हीकल है। टाटा मोटर्स ने उसको काफी तगड़े टेस्ट करे थे कई महीनों पहले से ही, जब तक बांग्लादेश आर्मी की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया। टाटा ने 200 हेक्सा एसयूवी बांग्लादेश आर्मी को दी उनकी कंडीशंस को पूरा करने के लिए। महिंद्रा एक्सयूवी 500 साउथ अफ्रीका। महिंद्रा एक्सयूवी 500 से सबसे पहले पर्दा 2011 में उठा था और उस वक्त ये उस समय की सबसे फीचर लोडेड एसयूवी थी अपनी प्राइस रेंज में। जबरदस्त है। और इसी वजह से इसकी इतनी डिमांड हो गई थी कि महिंद्रा को इसके लिए लॉटरी सिस्टम निकालना पड़ा था कि कार किसको डिलीवर करी जाए सबसे पहले। और महिंद्रा एसयूवी 500 को कई देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ और जगह भी। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये पुलिस पर्सनल्स यूज करते हैं पेट्रोलिंग के लिए, और ये साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल कॉप कार है। ये वहाँ W8 ट्रिम में मिलती है जिसमें फोर व्हील ड्राइव सिस्टम होता है। और अगर आपको एक्सयूवी 500 के कुछ और इंटरेस्टिंग राज जानने हैं तो उस पर भी मेरी एक वीडियो है जो आप राइट हैंड साइड आई बटन से देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। महिंद्रा इन्फोर्सर फिलीपींस। महिंद्रा की एक और गाड़ी जो किसी बाहर देश की पुलिस यूज करती है, महिंद्रा इन्फोर्सर और महिंद्रा कैंपर, जो महिंद्रा का पिकअप ट्रक है और काफी शानदार भी। लेकिन ये इंडिया में आपको काफी कम देखने को मिले, सिवाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI के लोग इसे यूज करते हैं। लेकिन साउथ एशियन कंट्री फिलीपींस में ये वहाँ की पुलिस फोर्स यूज करती है। और 2015 में फिलीपींस ने महिंद्रा से 1470 यूनिट यानी कि 1470 यूनिट्स महिंद्रा इन्फोर्सर के खरीदे थे 1.3 बिलियन पीसों में। पीसो फिलीपींस की करेंसी का नाम है, जैसे अपना रुपीज है। टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग अल्जीरिया। टाटा सफारी इंडिया में 1998 में इंट्रोड्यूस हुई थी और टाटा सफारी टाटा की आखिरी कार थी हाल ही में जिसे डिसकंटिन्यू करा गया था पिछले साल ही। और इस कार के दीवाने बहुत हैं अभी भी इसकी लुक्स और जिस तरह की ये राइड क्वालिटी ऑफर करती थी इस वजह से। इसी कारण से ये इंडियन आर्मी भी यूज करती है और यहाँ अल्जीरियन पुलिस डिपार्टमेंट भी, अल्जीरियन पुलिस की मेन कार। इस लेजेंड कार पर भी एक अलग से वीडियो है जो आपको काफी अच्छी लगेगी, उसका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। महिंद्रा स्कॉर्पियो मालदीव्स। महिंद्रा स्कॉर्पियो को अभी हाल ही में BS6 कंप्लायंट इंजन मिला है
और इंडियन मार्केट में ये कार पिछले 18 सालों से है और अभी इसकी चमक बिल्कुल वैसी ही है और आज भी पब्लिक इसे काफ़ी पसंद करती है। और इसके रिलायबल इंजन और कैपेबल ड्राइव ट्रेन की वजह से स्कॉर्पियो को हमारे इंडिया की पुलिस डिपार्टमेंट भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, तो इसलिए मालदीव पुलिस भी यूज़ करती है। वो इसका फोर व्हील ड्राइव वर्जन यूज़ करते हैं और इसका पावरफुल इंजन होना, कंफर्टेबल कैबिन होना और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और अफोर्डेबिलिटी इसको बाहर कंट्रीज में भी फेमस बनाकर रखे हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो फिलीपींस, हाँ जी महिंद्रा स्कॉर्पियो बाहर भी काफ़ी फेमस है। फिलीपींस में महिंद्रा एनफोर्सर के अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो भी यूज होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने महिंद्रा स्कॉर्पियो के 398 यूनिट्स ऑर्डर करे थे 2016 में फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 394 मिलियन पीसों में। महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटअवे इटली, महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटअवे एक पिकअप ट्रक वर्जन है स्कॉर्पियो का। देश में ये जब लॉन्च हुई थी जब पिकअप ट्रक इंडिया में इतने फेमस नहीं थे या इतने नहीं हुआ करते थे और ना इनका यूज होता था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के लिए यह सच में काफ़ी फायदेमंद रही। इसी तरह इसकी अटेंशन इटालियन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ भी पड़ी क्योंकि महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो गेटअवे को बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। तो इटली में ये स्कॉर्सो अल्पिनो द्वारा यूज़ करी जाती है, एक सिक्योरिटी फोर्स जो अल्प्स रीजन में ऑपरेट करती है, इसलिए इसे इटली में भी पेट्रोलिंग करते हुए देखा जा सकता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो श्रीलंका, मैंने कहा ना कि स्कॉर्पियो श्रीलंका में भी ये यूज होती है। श्रीलंकन पुलिस महिंद्रा स्कॉर्पियो इस्तेमाल करती है। श्रीलंका पुलिस ने 485 यूनिट यानी 485 यूनिट्स खरीदे थे स्कॉर्पियो के एलेक्स टीम के। महिंद्रा इन्फोर्सर भूटान, और महिंद्रा इन्फोर्सर सिर्फ फिलीपींस में ही नहीं बल्कि भूटानी सिक्योरिटी फोर्स भी महिंद्रा इन्फोर्सर का इस्तेमाल करती है। महिंद्रा इन्फोर्सर बोलेरो पर ही बेस्ड है और ये वहाँ फोर स्लेंडर 2.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है जो प्रोड्यूस करता है टर्बो इंजन पावर 240 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और वहाँ इसका फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल है। यही थी मेड इन इंडिया गाड़ियाँ जिन्हें 7 देशों की पुलिस और आर्मी यूज़ करती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो बोलते हैं कि इंडियन गाड़ियाँ फॉरेन गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उन्हें भी दिखाएं अपने मेड इन इंडिया गाड़ियों का जलवा। और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब हो, जबरदस्त किस्म का यार, मजा ही आ गया बलाज भाई देखकर यार। मैं तो ये हैरान रह गया, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद सिर्फ उसे मतलब इंडियन की फोर्सेस ही मतलब इनकी बनाई हुई कार, समझ रहे थे कि टाइटल के इंडिया की फोर्सेस ये गाड़ी, इंडियन की फोर्सेस बता इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता था यार, पूरे वर्ल्ड में घूम चुका है भाई इंडिया और स्पेशली महिंद्रा, महिंद्रा महिंद्रा की गाड़ियां तो मतलब बहुत ही आउट क्लास और जबरदस्त किस्म की यार, और एक से एक बढ़कर और कलर लुक्स भी मैं कहता हूँ आउट क्लास दी हुई थी। हाँ महिंद्रा मतलब छाया हुआ है पूरे भारत में, उसने अपना जलवा दिखा दिया, पूरे वर्ल्ड में दिखा दिया भाई। आप भारत की बात कर रहे हो, श्रीलंका नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ा, साउथ अफ्रीका नहीं छोड़ा, फिलीपींस नहीं छोड़ा, इटली नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। आप बोल रहे हो इंडिया में भाई जान पूरे वर्ल्ड में घूम गया है, कुछ नहीं छोड़ा। टाटा की भी थी शुरू में 2-3 थी, लेकिन महिंद्रा ने तो मैं कहता हूं ऐसी बात है वाट लगा दी सब। पाकिस्तान में भी डेवो जो है वो इंडिया की यूज हो गई है। मेन चीज सबसे यार फोर्सेस की गाड़ियाँ एक से एक, और सिंगम अली भी गाड़ी दिखाई यार, टाटा नहीं आई इसमें। हाँ टाटा की कम थी ना शुरू में, एक दिखाई करते थे, लेकिन ज्यादा महिंद्रा ही महिंद्रा महिंद्रा की यार गाड़ी को लुक्स तो चेक करो, और जो एड बनाया पता कितना जबरदस्त पकड़ नहीं पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे फोर बाई फोर, यहाँ तक बांग्लादेश में भी मतलब फोर्सेस की नहीं इस्तेमाल की जा रही। मेन बात है ना, चलो ऐसे जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो जाए अलग बात है, लेकिन फोर्सेस यूज कर रही है तो मतलब इन गाड़ियों में कमाल जो है। अरे भाई मैं तो मतलब टाइटल पढ़कर मैं तो समझ जाता सिर्फ इसमें दिखाया जाएगा कि इंडियंस की फोर्सेज जो है ना मतलब इस तरह की चीजें मतलब कार्स और बाइक्स इस्तेमाल करती होंगी, ये तो मेरी सोच ही नहीं थी कि वर्ल्ड में मतलब ऐसी ऐसी कंट्रीज भी इंडियंस की ये फोर्सिंग अधिकारी गाड़ियाँ यूज़ कर रही हैं, कि मेरी तो सोच हैरान रहेगी यार बात को लेके। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थी यार वीडियो, और सबसे मेन चीज़ आपने वो देखी मतलब जो दिया दिखाया कि इनकी अपनी आर्मी जो है भारत की वो यूज़ करती है, वो खुद भी यूज़ करती है, कलर दिखाया गया, कलर अच्छा था,
तो यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमें बहुत अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में भी आप भी जरूर बताइएगा आपके बाकी हिंदुस्तान की गाड़ियों के जलवा, एक अपना ही जलवा, अपना एक स्वाग है, स्वाग उसको बोलते हैं, लेवल है, लेवल भाई का तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा। बाकी यार बहुत ही जबरदस्त किस्म की वीडियो थी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें और बढ़िया रहा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल लिंक आते नहीं है। अगर आप हमसे किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं तो लिंक आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।